Hello everyone and a very warm welcome to SEEKHSHA. So guys, EPFO AOEQ 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नेक्स्ट सब्जेक्ट कवर करेंगे. अभी तक हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटी कवर कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंट्स. अकाउंट्स के 10 क्वेश्चंस थे आपके AOEQ 2020 के अंदर. इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही बेसिक थे कि थोड़ी बहुत भी अगर अकाउंट्स की नॉलेज है आदमी को, प्रोफेशनलिज्म नहीं है तब भी अगर नॉलेज है बेसिक सी तो वो हो जाए. और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो भी अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की हुई है अकाउंट्स की, NCERT वगैरह के थ्रू गो थ्रू हुए, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुड हैव बीन इजीली सॉल्व्ड. तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा CA लेवल का अकाउंट्स नहीं पढ़ना था आपने. और जैसे जो आप कोर्सेज लेते हो, ऑनलाइन परचेज करते हो, उसके अंदर या वो MCQs आपको ऐसे दिखाते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट MCQs दिखा देते हैं या बहुत कोर्स के अंदर भी बहुत इंटेंस चले जाते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. वो हमें MCQs से क्लियर हो जाता है. चाहे आप 2017 के MCQs भी देख लो, बहुत बेसिक लेवल के MCQs ये पूछते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे. PDF फाइल आप जानते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गेट द फाइल फ्रॉम देयर. एंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे लेक्चर्स देखें, ठीक है, ताकि एक अच्छी क्लैरिटी आपके लिए बन जाए. So let us start with the first question. Which one of the following statements about trial balance is correct? इनमें से कौन सी statement trial balance के से related correct है? Okay, trial balance अभी हमने accounts की जब हम lecture 3 देखा था तब उसके अंदर भी हमने trial balance को discuss किया था. So trial balance is a book containing different accounts of an entity. अच्छा जी, दूसरा statement कहता है कि it is a statement containing balances of debtors of an entity. ओके, ऑप्शन सी कहता है इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ एन एंटिटी. ऑप्शन डी कहता है कि इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंसेस ऑफ एन एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी का क्या मतलब हो गया कि जो अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं एंटिटी के अंदर उसका रिकॉर्ड है, तो ऐसा तो नहीं होता. ऑप्शन ए गलत है. बी और सी भी गलत है क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस वो होता है जिसके अंदर आपने जितने आपके लेजर अकाउंट्स बने हैं ना, जैसे अलग अलग अकाउंट्स बने होंगे आपके लेजर में, मशीन अकाउंट बना होगा, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बना होगा, अलग अलग अकाउंट्स बने होंगे, तो जो लेजर्स के जो बैलेंसेस होते हैं ना, जो उन लेजर अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर डालते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमने वन ऑफ द लेक्चर्स के अंदर वो सारे लेक्चर्स आपने देखने हैं जो अकाउंटिंग के MCQ वाली प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना, अभी तक 3 लेक्चर्स उसके अंदर डले हैं, वो सारे लेक्चर्स देखने वो आपको बहुत यूजफुल रहेंगे. उसके अंदर हमने देखा था ना कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको डाल रहे हैं समराइजेशन के अंदर एक तरीके से. ठीक है, प्रोसेस होता है ना जहां पर आप अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने 4 स्टेजेस देखे थे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आपका रिकॉर्डिंग, फिर आता है क्लासिफिकेशन, फिर आता है समराइजिंग और फिर आता है इंटरप्रेटिंग. तो रिकॉर्डिंग में क्या आ जाता है, रिकॉर्डिंग में आपके आ जाती है जर्नल एंट्री, क्लासिफिकेशन में क्या आ जाती है लेजर, उसके बाद समराइजिंग में आता है आपका ट्रायल बैलेंस कि जितना भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस है उसको आपने ट्रायल बैलेंस में डाल दिया ताकि इजीली आप उसको देख सको. सो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा. तो ट्रायल बैलेंस कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों. ठीक है, तो आप एक एक करके आइटम्स डालते जाओगे. उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में डाल दोगे, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में डाल दोगे. ओके, सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस ऑफ और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर. ठीक है, उससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस से आपको अल्टीमेटली ये पता चल जाएगा कि अरिथमेटिकली आपके जो अकाउंट्स फॉर्म कर रहे हो आप या जो लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग की है वो सही है या नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो मैच होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री का कंसेप्ट है. Okay, now trial balance is an important statement in accounting process that it shows the final position of all the accounts. तो एक final position आ गई ना अपने पास, सारे लेजर अकाउंट्स की final position आ गई, और फिर ये आपको हेल्प करेगा आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फॉर्म करने में, जिसको आप फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हो. ओके जी, एंड ट्रायल बैलेंस आपका फॉर्म किससे होता है, बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स, जो लेजर के अंदर बैलेंसेज होते हैं उसके थ्रू ये फॉर्म होता है. एंड यूजुअली एट एन एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इसको फॉर्म किया जाता है. बीच में भी फॉर्म कर सकता है, वो ओनर की या अकाउंटेंट की विश है, बट जनरली इसको एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में ही फॉर्म किया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे. Wages paid for installation of machinery is debited to which one of the following accounts? Option A wage account, B machinery account, C installation account, D profit and loss account. देखो जी ये क्वेश्चन जो है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली बच्चा इसको आंसर कर सकता है. ओके तो सबसे पहले अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट होता है, लेजर में हम एंट्रीज को पोस्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसको हम एंट्री वाइज एक कॉपी के अंदर लिखते जा रहे हैं. उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं. लेजर बेसिकली क्या होते हैं, हर चीज के अलग अलग अकाउंट बने हुए होते हैं. अब एक कंपनी के अंदर वेजेस अकाउंट भी है, जो सैलरीज वगैरह जा रही हैं एम्प्लॉयज को, वो हम वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. और एक मशीनरी अकाउंट भी होगा. अब मशीनरी अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी मशीनरी से रिलेटेड खर्चा हो रहा है. हमने मशीन खरीदी, उसकी खरीदने की कॉस्ट, हमने मशीन इंस्टॉल कराई, उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, मशीन की डेप्रीसिएशन हुई वो कॉस्ट, तो वो सब हम मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. अब ये क्वेश्चन देख करके वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और वो कहेगा ये तो वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, पर ये वेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा. वेजेस अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो हम रेगुलर सैलरीज पे कर रहे हैं बिजनेस की फंक्शनिंग के लिए, या जो हम वेजेस पे कर रहे हैं बिजनेस में अगर हमने किसी से कोई काम कराया है. अब जो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए हमने वेज दिया, मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए एक बंदा आया बाहर से और उसने अपना वेज लिया, जो भी उसका टाइम लगा उसके लिए उसने पैसा लिया, तो क्या ये वेज अकाउंट में जाएगा? नहीं, ये मशीनरी के ऊपर खर्चा हुआ है तो ये मशीनरी अकाउंट के अंदर जाएगा. जो भी मशीनरी से रिलेटेड खर्चा होएगा वो मशीनरी के अकाउंट में जाएगा. कल को मशीनरी को रिपेयर कराना पड़ेगा, उस पर खर्चा होगा तो वो भी मशीन अकाउंट में जाएगा. तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होगा, मशीनरी अकाउंट होगा, क्योंकि ये किस अकाउंट के अंदर जा रहा है, मशीनरी अकाउंट के अंदर जा रहा है. इंस्टॉलेशन अकाउंट जैसा अकाउंट हम मेंटेन करके चलते नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें मशीनरी की जो ट्रू कॉस्ट पड़ी वो तो पता ही नहीं चलेगी. ठीक है, तो हर मशीनरी का जो, अगर 10 मशीनरियां है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम एक सिंगल इंस्टॉलेशन अकाउंट बना देंगे और हर मशीनरी का अलग से जो भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है उस इंस्टॉलेशन अकाउंट में डाल देंगे. नहीं, हर मशीनरी का खर्चा उस मशीनरी अकाउंट में ही जाएगा. नहीं तो ऐसे तो मल्टीपल लेजर्स हो जाएंगे. ठीक है कि भाई मशीन से रिलेटेड मशीनरी का इंस्टॉलेशन अकाउंट भी अलग बनाओगे. ओके, हो सकता है कि आप एक इंस्टॉलेशन अकाउंट भी बना करके रखो, जैसे अब डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन के लिए एक अलग से डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, लेकिन उस केस में भी मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड होगा ही होगा. मशीनरी अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा 110%, क्योंकि मशीनरी के ऊपर तो आपको खर्चा दिखाना ही दिखाना है ना. ठीक है, तो अगर आप इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस दे रहे हो तो उसका जो खर्चा जाएगा, जो वेजेस जाएंगे वो मशीनरी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा. एंड द आंसर विल बी बी. तो यहां पर जो लेजर की अंडरस्टैंडिंग है ना वो इंपॉर्टेंट है. लेजर क्या होता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, और इसके अंदर वेरियस अकाउंट्स होंगे. जैसे मशीनरी अकाउंट है तो मशीनरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस है वो मशीनरी अकाउंट में आ जाएंगी. ओके, अगर यहां पर क्वेश्चन में होता वेजेस पेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेजेस पेड टू एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में वेजेस पेड टू एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फिर वेजेस अकाउंट के अंदर आना था. ओके, फिर वेजेस अकाउंट में आता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एक संडे ट्रीट क्वेश्चन है, सीरियस कैंडिडेट इजीली आंसर कर सकता है. करंट लायबिलिटी, किसी भी लायबिलिटी को करंट बोलते ही इसीलिए है अगर आपको उसको विद इन अ ईयर पे करना है. ठीक है, अगर विद इन अ ईयर पे नहीं करना, उससे ज्यादा टाइम है आपके पास, 1 साल से लंबा टाइम है, तो उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से पैसा लिया और बैंक को आपने पैसा 5 साल में देना है, तो वो क्या होगा, वो एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. ऐसा पैसा उधारी जो आपने लिया है और उसको 1 साल के अंदर अंदर आपको चुकाना है, तो वो करंट लायबिलिटी होता है. तो इसके अंदर आंसर जो है वो ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. इज द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम? ये एक कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से. यूपीएससी ने इसको बना करके डाल तो दिया, बट ये कंसेप्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है. तो देखो कंसेप्चुअली तो अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की सेम होनी चाहिए. अगर आपके ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड सेम नहीं है, इसका मतलब अकाउंट्स की पोस्टिंग में गड़बड़ है. तो जायज तरीके से तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यस ऑलवेज, क्योंकि अगर हम एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहां पर यूपीएससी ने ये नहीं लिखा कि ट्रायल बैलेंस करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, वो सेम ही होगा. नो ठीक है, तो यस ऑलवेज यहां पर आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑफिशियली जो आंसर यूपीएससी ने इसका डिक्लेयर किया, वो आंसर इन्होंने डिक्लेयर किया ऑप्शन ए, दैट नो देयर आर सम टाइम गुड रीजंस व्हाई दे डिफर। ओके, दे कैन डिफर, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड डिफर हो सकती है, लेकिन वो कब डिफर करेगी, जब लेजर की जो पोस्टिंग हुई है उसमें कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है, या टोटलिंग एरर हुआ है लेजर के अंदर, तो उस टाइम पर उस ट्रायल बैलेंस में फॉल्ट आ सकता है, ठीक है। नहीं तो कंसेप्चुअली तो अगर आप बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके अकाउंट्स गलत हैं। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि जिसमें ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच ना करे। ओके, सो इसीलिए आंसर इसका यस ऑलवेज होना चाहिए था। बट यूपीएससी ने इसमें क्या एज्यूम किया है कि अगर पिछले अकाउंट्स में गलती है, जो आपने लेजर पोस्टिंग्स हैं या आपने जो टोटलिंग है उसके अंदर अगर आपने कोई गलती की, तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा, और ये उसी को गुड रीजंस व्हाई दे डिफर बोल रहा है, ठीक है। दिस कैन बी द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। ओके, सो ट्रायल बैलेंस जनरली आपका मैच ही करेगा, जो आपका टोटल है वो डेबिट और क्रेडिट साइड का मैच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the first book in which the transactions of a business unit are recorded? ये आपकी जो MCQs on accounting अभी जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें आपके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, उसमें लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जर्नल, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हमने देखी थी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर बेसिकली ये आता है। ओके, सो अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू कहां से होता है, जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में, और इस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री को जर्नल कहते हैं। डेली जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सबसे पहले इस जर्नल के अंदर ही जाती हैं। ओके, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई आप ऐसे अलग अलग अकाउंट्स की बात नहीं होती, इसमें जैसे जैसे जो जो ट्रांजैक्शन होती जाएगी वो आप ऐसे एक क्रोनोलॉजी में रिकॉर्ड करते जाओगे, और इस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। ऑलराइट, ये सारी हमने डिटेल डिस्कस की है काफी डिटेल में लेक्चर 1 में, तो प्लीज उसको देख लेना डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट, इनमें से कौन सी इक्वेशन ग्रॉस प्रॉफिट को डिनोट करती है? ऑप्शन ए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, ऑप्शन बी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी, सेल्स लेस परचेजेस, डी, नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट का कंसेप्ट आपसे पूछा गया है, तो इजी है। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अगर सीधी सी भाषा में समझें, जो आपके सारे खर्चे हुए, जो आपके गुड्स हैं उनका जो भी सारा खर्चा है, ठीक है, और जो आपने सेल करी, तो सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दोगे। अब आप कहोगे कि सर ये सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल लेस परचेजेस में क्या फर्क है, ये तो दोनों सेम बात हुई। नहीं, सेम बात नहीं हुई। आपने एक गुड्स खरीदे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए के गुड्स खरीदे। अब वो 10 रुपए के गुड्स के ऊपर आपको पैकिंग करनी पड़ी, उस पे आपका 1 रुपया लग गया, ठीक है। उसके बाद आपको उसको स्टोर करना पड़ा, ऐसा तो नहीं है ना जब आपने खरीदा तब साथ के साथ बिक गया, आपने उसको स्टोर करना पड़ा, उसके लिए आपने एक जगह रेंट पे ली, 1 रुपया आपको उस 10 रुपए के गुड को स्टोर करने पे लग गया, ठीक है। उसके अलावा आपको वो गुड्स ऐसे थे जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज काफी ज्यादा हुआ, कोल्ड स्टोरेज में रखना था, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1 रुपया उस पर लग गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आप कहोगे कि परचेज 10 रुपए की है, ठीक है, और आपने फॉर एग्जाम्पल गुड्स बेचे 15 रुपए में, ठीक है, ये वाला गुड्स आपने बेचे 15 रुपए में। तो आप कहो अगर कि सेल लेस परचेजेस करना है, 15 में से 10 रुपए गए, तो उस हिसाब से तो आपका 5 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। बड़ा मजा आ गया आपको, यार मैंने तो 5 रुपए कमा लिए, ठीक है। अब अल्टीमेटली 5 रुपए आपने कमा लिए, इस पे सरकार टैक्स भी 5 रुपए में मांगेगी कि हाँ तूने 5 रुपए कमाया, 5 रुपए पे टैक्स दे। अगर आपके शेयर होल्डर हैं वो डिविडेंड भी इसके ऊपर 5 रुपए पे मांगेंगे, लेकिन आपने असल में तो 5 रुपए कमाए ही नहीं। आपने 1 रुपया पैकिंग के लिए खर्चा, 1 रुपया उसको स्टोर करने के लिए खर्चा, 1 रुपया उसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए खर्चा, ये भी तो खर्चे ही है, ये तो आपने कमाए नहीं ना, ये तो आपने खर्चे किए हैं ना। तो अगर आप अपने खर्चों को, जो आपके गुड्स के ऊपर स्पेशली खर्चे हुए हैं, अगर आप उसको गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं ऐड करोगे, तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा दिखेगा और आपको बिना बात के टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 15 माइनस 13। 10 रुपए के गुड आपने खरीदे थे, जो कॉस्ट वैल्यू थी उन गुड्स की, और 3 रुपए का आपने उसके ऊपर खर्चा किया, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट 2 रुपए का ना कि 5 रुपए का। इसीलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेट प्रॉफिट तो देखो वैसे भी कंसीडर नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट तो आपका टैक्सेस वगैरह सब माइनस करने के बाद कैलकुलेट होता है, ओके। और एक्सपेंसेस को नहीं हम लेस कर रहे हैं, हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, जो गुड्स के ऊपर कॉस्ट लग रही है उसको लेस कर रहे हैं, ओके। सो आंसर यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब थ्योरी देख लेते हैं फटाफट से, पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली गुड्स के ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ओके। इफ द अमाउंट ऑफ परचेजेस इंक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस मोर देन सेल रेवेन्यू द रिजल्टेंट फिगर इज ग्रॉस लॉस, यानी कि अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो ज्यादा है, मतलब आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है आपका 15 रुपए और गुड आपका बिक रहा है 10 रुपए में, तो वो क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। और अगर वाइस वर्सा है तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकते हो। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक जो आपका पिछले साल का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो आपके पास करंटली स्टॉक है, ठीक है, प्लस आपने कितना परचेज किया, क्लोजिंग स्टॉक साल में आपके पास कितना बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट सपोर्ट्स नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स बट प्रोविजन ऑफ ऑल पॉसिबल लॉसेस, ओके। तो ये बेसिकली एक अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है, वो कहता है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अगर फ्यूचर में होना है तो उसको एंटिसिपेट मत करो, ठीक है। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होना भी है ना और आपको लग रहा होगा, तब भी वो कहीं पर अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट मत करो, लेकिन फ्यूचर में जो लॉसेस हो सकते हैं उनका रिफ्लेक्शन अकाउंट में शो होना चाहिए, कि पहले नुकसान जो है वो तो खातों में दिखाओ जो होने हो सकते हैं, पर प्रॉफिट को नहीं दिखाना। ये बेसिकली कौन सा कंसेप्ट है, कंजर्वेटिविज्म का कंसेप्ट है अकाउंट्स के अंदर, इसको देखते हैं, काफी अच्छा कंसेप्ट है, ओके। सो कंजर्वेटिविज्म का कंसेप्ट क्या बोलता है, इसको प्रूडेंट कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि जी जो भी अनसर्टेनिटीज या रिस्क है ना बिजनेस के अंदर, उसको बहुत अच्छे से प्रॉपर कंसीडरेशन देना है, ओके। तो ऐसा प्रोसीजर फॉलो किया जाए जहां पर आपके जो एसेट्स हैं या जो आपके रेवेन्यू है उसको कम से कम दिखाओ, जो आपके फ्यूचर में एसेट्स हैं या जो रेवेन्यू आने वाला है उसको कम से कम दिखाओ, और जो आपके खर्चे हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज हैं उसको ओवरस्टेट करो। ऐसा क्यों बोला जाता है कि अगर आपने अपनी इनकम को या अपने एसेट्स को कम दिखाया तो उसका बहुत ज्यादा बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर आपने अपनी लायबिलिटीज या अपनी कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम दिखाया तो उसका फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपने आज दिखाया कि भाई मेरे को तो 1 रुपए का ही कॉस्ट है, आपने 1 रुपए का ही कॉस्ट या 1 रुपए का ही लाइबिलिटी एज्यूम किया आने वाले 2 महीने के अंदर, बट लग गए 10 रुपए, तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, ओके। सो ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि भाई प्रॉफिट को एंटीसिपेट मत करो कि कुछ पैसा मैं कमाऊंगा, लेकिन जो मैं गवा सकता हूं, जो मेरा नुकसान हो सकता है, वो सारे अच्छे से इसके अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट बेसिकली आप सिर्फ तब रिकॉर्ड करोगे जब एक्चुअल में मेरे को प्रॉफिट हो गया, तो समझ रहे हो ना, है ना। अच्छा, मैं अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर कमेंट कर दूं तो बुरा मत मानना, और जिस कम्युनिटी के ऊपर मैं कमेंट करूं वो बिल्कुल भी बुरा ना माने, जिसके ऊपर मैं अभी कमेंट करने जा रहा हूं वो तो मेरी ही कम्युनिटी है, तो वो तो बिल्कुल ही बुरा ना माने। जैसे बनिया होता है ना, एक बनिया क्या करता है कि जब तक उसके जेब में पैसा ना आ जाए ना, वो किसी को बताता भी नहीं है, ठीक है। उल्टा वैसे तो पैसा आने के बाद भी नहीं बताता, लेकिन जब तक उसके जेब में पैसा ना आ जाए तब तक तो वो खुद को भी नहीं बताता कि हाँ भाई प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर उसका 1 रुपया कहीं सड़क पे चलते हुए गिर गया ना, वो पूरी दुनिया को बताएगा, अरे भगवान मैं तो लुट गया, मेरा 1 रुपये का सिक्का सड़क पे गिर गया, है ना। तो वही कंसेप्ट ये करता है कि प्रॉफिट तो तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअल में हो जाएगा, लेकिन लॉस को अगर नहीं भी हुआ तब भी उसके लिए हम कंडीशन क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है। और यही रीजन होता है, अब देखो इसका अकाउंट्स में देखो रिजल्ट कहां पे दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है हमारे पास उसको हम कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे वैल्यू करते हैं, जो भी लेस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस लेस था तो उस पर रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए के गुड्स खरीद लिए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक में जो मैंने गुड्स खरीदे वो मैंने 100 रुपए के खरीदे थे, लेकिन आज की डेट में, वो तो मैंने पिछले साल खरीदे थे ना, साल के शुरुआत में खरीदे थे, 1 जनवरी को खरीदे थे फॉर एग्जांपल। अब मैं 31 दिसंबर को अगर अकाउंट बना रहा हूं, मैं जनवरी से दिसंबर वाला अकाउंटिंग पीरियड ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 1 जनवरी को मैंने 100 रुपए के खरीदे थे, 31 जनवरी को मेरे, अब 31 दिसंबर को मेरे पास 100 रुपए के गुड्स हैं। लेकिन आज की डेट में 31 दिसंबर को इनका प्राइस 100 रुपए से बढ़कर के 200 रुपए हो गया, ठीक है। तो मेरे पास पड़े पड़े मेरे गुड्स 100 रुपए के 200 रुपए के हो गए, तो मैं मार्केट में भी महंगा बेचूंगा। पर लेकिन मैं अपनी अकाउंट बुक में ना इसको 200 रुपए का नहीं रिकॉर्ड करूंगा, मैं इसको 100 रुपए का ही रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। मैं इसको 100 रुपए का ही रिकॉर्ड करूंगा कि मेरे तो 100 रुपए के गुड्स हैं, मेरे पास 200 रुपए के गुड्स नहीं है, है ना, समझ रहे हो। तो ये एक तरह का कंजर्वेशन का कंसेप्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैंने खरीदे 100 रुपए के थे 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को 50 रुपए के रह गए, तो मैं फिर इसको 50 रुपए का रिकॉर्ड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक को, जो भी वैल्यू कम होगी, ताकि मेरा प्रॉफिट कम से कम हो जाए, है ना, ताकि मेरा प्रॉफिट कम से कम हो जाए। सिमिलरली जो डाउटफुल डेट के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, बैड डेट्स के लिए जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं, या डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं, वो सारे क्या है, कंजर्वेशन का कंसेप्ट है कि भाई कम से कम प्रॉफिट हमारा यहाँ पर हमको दिखेगा। फ्यूचर में जितनी अनसर्टेनिटीज हैं उन सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन बना करके रख दें। कभी देखा है अकाउंट्स की किताबों में प्रॉफिट के लिए प्रोविजन बनाया हो कि भाई फ्यूचर में मेरा इतना प्रॉफिट होगा, ये उसके लिए प्रोविजन है। हमेशा प्रोविजन किसके लिए बनाए जाते हैं, नुकसानों के लिए, कि भाई कोई पैसा लेकर के भाग जाएगा उसका प्रोविजन, आग लग जाएगी उसका प्रोविजन, डेटर है जिनसे पैसा लेना है, ठीक है, जिनसे उधारी पैसा वापस लेना है उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, उसका प्रोविजन, समझ रहे हो। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following accounting concept is applied by an entity when events such as new competitor entering in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of accounts? ये lecture नंबर 3 MCQs जो है, अकाउंटिंग एमसीक्यूज वाली जो सीरीज चल रही है उसके lecture नंबर 3 के अंदर है। वो प्लेलिस्ट ना मैं अभी लेक्चर के एंड में और लेक्चर के बिगिनिंग में भी और लेक्चर के मिडल में भी एज अ कार्ड इंसर्ट कर दूंगा ताकि आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। So which one of the following accounting concept is applied by an entity when events such as competitor entering in the market and rift between production and marketing department are not disclosed in the books of accounts? ठीक है, तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया जी, ये आपका होगा ऑप्शन बी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मैंने लेक्चर 3 में डिटेल में डिस्कस किया, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। मोटी मोटी बात मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि अकाउंट्स की बुक में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होंगी जिसको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है, जिसको पैसे की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। अब न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है, उसको पैसे की टर्म में कैसे मेजर करोगे, ठीक है। प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाई चल रही है, उसको अकाउंट्स बुक में कैसे मेंशन करोगे, क्योंकि उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो, ओके। तो अकाउंट्स के खातों में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो मनी टर्म्स में मेजर हो सकता है, ओके। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 3 में, मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, वहां पर देख लो डिटेल। अगर वहां पर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, Which one of the following concerns prepares receipt and payment account? इनमें से कौन सा कंसर्न रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है? ऑप्शन ए ट्रेडिंग कंसर्न, बी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डी कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, सोसाइटी या वेलफेयर के लिए काम कर रही है, जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ओके। अब इनका मेन एम क्या होता है कि किसी ना किसी स्पेसिफिक ग्रुप को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोई गुड्स ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, परचेज या सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं कर रहे। तो ये जैसे नॉर्मली एक बिजनेस होता है ना, उनकी तरह बहुत सारे बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ये सब नहीं बनाते। ये बेसिकली 3 अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। सिंपल सा सिस्टम होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये क्या सब रिकॉर्ड कर लेंगे, जो पैसा इनके पास आया, फॉर एग्जांपल जो भी डोनेशन का पैसा आ रहा है उसको रिसिप्ट साइड में डाल देंगे, जो भी ये पेमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल या कुछ भी जो पेमेंट कर रहे हैं वो उसको पेमेंट साइड पर डाल देंगे। तो बहुत सिंपल अकाउंट्स ये मेंटेन करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statement is correct about income and expenditure account? Again NPOs maintain करते हैं इसको। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है एंड इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कमेंट सेक्शन में अब एक होमवर्क है और उन कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है जो कमेंट के अंदर सच में आंसर करते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एक लाइन के अंदर समझाना है। चलो नॉमिनल अकाउंट तो मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, रियल और पर्सनल अकाउंट एक लाइन के अंदर समझाना है कि क्या होता है। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? ऐसे अकाउंट जिसके अंदर आप लॉस, खर्चा, इनकम, गेन ये सब रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की समरी है। जो आपकी इनकम हुई पूरे साल में उसको एक साइड रिकॉर्ड कर लोगे, जो आपके खर्चे हुए उसको एक साइड रिकॉर्ड कर लोगे। ओके, तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो ना बिजनेस हाउसेस के अंदर, वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। एक्रूअल बेसिस के ऊपर ये अकाउंट बनता है। एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है कि इसके अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन एडवांस में नहीं रिकॉर्ड करते हो। जब आपके हाथ में इनकम आएगी तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इनकम आती है रेंटल इनकम, ठीक है, तो जिस महीने का रेंट आपको मिल जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, उस महीने का रेंट आप इनकम साइड पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने का रेंट जो है 6 महीने बाद का रेंट वो आपको मिला भी नहीं, आप उसको इनकम साइड पे दिखा दोगे ये देखो मेरी ये इनकम है, जब मिलेगा तभी शो करोगे। सिमिलरली एक्सपेंडिचर को भी जब खर्चा एक्चुअल में होगा तब आप उसको वहां पर रिकॉर्ड करोगे। इसको हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस कि जब एक्चुअल में हो रहा है। ओके, एंड इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आती हैं एंड द बैलेंस शीट एट द एंड रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिसिट। फिर उसके बाद जो बैलेंस आएगा इस स्टेटमेंट के लास्ट में उससे आपको पता चल जाएगा। 2 केसेस होंगे, या तो आपका इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर से या आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा इनकम से। इनकम ज्यादा हुआ एक्सपेंडिचर से तो मतलब सरप्लस है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ इनकम से तो डेफिसिट है। ये मैच नहीं करेगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये नहीं है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस सेम आएगा, ये अलग अलग ही आएगा। And these were the 10 question guys. I hope you liked the lecture. And जो भी MCQs के lectures हैं accounts के उनको जरूर देखना। So with this we come to the end guys. Do subscribe the channel. Take care and bye bye.